सो गाइस, अगर आप लोगों का फ़ोन हो चुका है लॉक, किसी से भी लॉक हो, चाहे वो बच्चे से हो, आपसे हो, हम लोगों से भी गलती होती है। गलती में हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह छुपाने के लिए, किसी का पर्सनल फ़ोटो रहता है, उस फोटो को छुपाने के लिए हम लोग लॉक लगाते सिंपली फ़ोन में अलग अलग, तो जिसके कारण हम लोग भूल जाते हैं कि क्या लॉक था, इस टाइम ये लॉक लगाए, उस टाइम वो लगाए। तो समझिए कि दिन भर में एक दो, मतलब महीने में आप लोग अगर 4-5 बार अपना लॉक चेंज कर दे तो आप लोग पासवर्ड सिंपली आप लोग भूल जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में आप देखिएगा कि हम अभी एक मेरे हाथ में एक ओप्पो का सेट है और ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का सेट है, और आज इस फ़ोन को हम करने वाले हैं अनलॉक, बिल्कुल लाइव अनलॉक करने वाले हैं। अगर हम आप लोग सामने देखिएगा, और जस्ट आप लोगों को भी, अगर आप लोगों का फ़ोन लॉक हो चुका है और भी न्यू मॉडल का फ़ोन है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ गाइस, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो गाइस, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉक तोड़ो। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पर करना क्या है ये देखिए, अभी इस फ़ोन में सिंपली लॉक लगा हुआ है, इसको अभी हम करने वाले हैं अनलॉक। तो सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं है, इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोगों को इमरजेंसी कॉल पर कर लेना क्लिक। अभी हम आप लोगों को एक कोड देने वाले हैं, सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं है, वो कोड आप लोगों को लिख लेना है, वीडियो को स्किप करके आप लोगों को करना क्या है कि उस कोड को स्क्रीनशॉट लेना। तो सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो न्यू कोड आया है तो वही कोड हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ये न्यू मॉडल का फ़ोन है तो इसके लिए न्यू कोड की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ओल्ड मॉडल के फ़ोन में ओल्ड का ही लगता है और न्यू मॉडल वाले फ़ोन में ओल्ड पासवर्ड नहीं लगता। सिंपली आप लोगों को करना क्या है, *8532697411 पर कर लेना है क्लिक। और सिंपली आप लोगों, सॉरी, यहाँ पर एक हैज भी डालना है, तो आप लोगों को यहाँ पर हैज डाल लेना है, और लास्ट में भी आप लोगों को एक हैज डालना है। सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा, अभी हम करने वाले इस पर कॉल। तो इस पर आप लोगों को कॉल, ये जो दिख रहा कॉल फेल द नंबर इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर, इस पर आप लोगों को 10 टाइम कॉल करना हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10। अगर आप लोग एक ज़्यादा भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ से कर लेना है बैक, और आप लोगों को अभी एक और कोड अभी हम देने वाले हैं, उस कोड को सिर्फ आप लोगों को एक बार डालना है और सिंपली आप लोगों का फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। एक दो कोड अभी हम आप देने वाले थे, *7412589 और हज, इस पर आप लोगों को करना क्या, सिंपली आप लोगों को एक बार यहाँ पर डाल देना है, एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं तो वीडियो को आप लोग रोक करके आप लोग देख सकते हैं। सिंपली आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एक बार कर लेना है कॉल, और इसको कर लेना है आप लोगों को यहाँ पर ओके, और सिंपली आप लोगों को कर लेना है यहाँ पर सिर्फ सारा कोड कर लेना है डिलीट। और अभी ये कोड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो गाइस आप लोग इस कोड को ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा, *H813 और यहाँ पर सिंपली हैज दबा देना। और आप लोगों को बता दें कि इस पर भी आप लोगों को दो बार करना है कॉल, 1, 2, सिंपली आप लोगों को करने के बाद आप लोगों को कर लेना है यहाँ से बैक। तो गाइस अभी देखिए हमारा फ़ोन बिल्कुल अनलॉक हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों का फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा तो सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को एक कॉमेंट कर देना कि आप लोगों का फ़ोन किस मॉडल का है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उस फ़ोन में। तो आप लोगों को अगर वो मॉडल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा तो उस फ़ोन को हम आप लोगों को अनलॉक करके दिखा देंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।